हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में एमपी पटवारी परीक्षा एनालिसिस 17 तारीख यानी कि आज का फर्स्ट चैप्टर का टुडे एनालिसिस एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ फ्रेंड जो पूछे गए थे 17 तारीख को फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। और सबसे पहले आपको बता दें, जिन लोगों का एग्जाम है आने वाले चैप्टरों में, वो ये नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए अपने क्वेश्चन जो पूछे गए थे एकदम रियल क्वेश्चन, जिससे मैं आने वाले लोगों को हेल्प कर सकता हूँ और एनालिसिस कर सकता हूँ एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ। और फ्रेंड, आज जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजे उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जैसे कि पूजा हैं, राहुल हैं, दिनेश हैं, संजय, इन लोगों ने 20-20 22-22 क्वेश्चन भेजे हैं एकदम रियल क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है फ्रेंड्स जिन्हें क्वेश्चन भेजे हैं, और आने वाले चैप्टर में जिनका एग्जाम है वो जरूर क्वेश्चन भेजे, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, एक पेशेवर भारतीय शूटर एवं भारतीय शूटिंग टीम से सदस्य है। फ्रेंड्स किस टीम से खेलती हैं? तो वो भारतीय टीम से खेलती हैं, और वो किसकी खिलाड़ी है? शूटिंग की। ओके फ्रेंड्स, शूटिंग की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त वंश से, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स बता दें आपको, गुप्त वंश के भारत के स्वर्णम युग को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपालियन भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडी हमारे शरीर में खास सफ़ेद रक्त कोशिका से जुड़ी होती है जिसे बी टाइप कोशिका कहते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी सेल्स करती है, ये मेमोरी सेल्स एंटीजन की पहचान को याद भी करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। कौन सी विटामिन डी प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स आपको बता दें, एकदम रियल क्वेश्चन होते हैं, एकदम डेली एनालिसिस चलता है इस पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लास्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, जो प्लास्मोडियम की कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं क्योंकि ये मनुष्य की मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। फ्रेंड्स ये पूछा गया था कि प्लाज्मोडियम क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ की प्राणी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, श्री बसंत प्रताप सिंह। कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह, जो कब बने थे? 2019 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, मांडू में जहाज महल किसने बनवाया? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, जहाज महल को सुल्तान खियास उद दिन खिलजी ने बनवाया था। ओके फ्रेंड्स, माना जाता है कि उनकी क्वार्टर्स के रूप में 15,000 महिला थी। शाही संघ के संबंध में महिलाओं को समायोजित करने के लिए जहाज महल 15वीं शताब्दी में उत्तरदायी बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 के मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट जज कौन किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, हिदायतुल्लाह को बना दिया गया था, और 1 नवंबर 1956 को छत्तीसगढ़ से अलग हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, जिम कार्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून। क्या हो जाएगी? देहरादून। और दूसरी राजधानी क्या है? गैरसैन। क्या है? गैरसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड पूछे कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की खेलों की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में महिला हॉकी खेलों की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर 2006 में की गई थी। कहाँ पर? ग्वालियर में की गई थी। कहाँ? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा त्यौहार फसल पकने पर कटता है? कौन सी फसल पकने पर त्यौहार मनाया जाता है? एक क्वेश्चन था। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, पोंगल त्यौहार। कहाँ मनाया जाता है? वो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, त्रिशूल। कौन सी हो जाएगी? त्रिशूल। और ऑप्शन में आकाश हुआ तो आकाश भी टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, इसरो ने सबसे पहले कौन से उपग्रह लॉन्च किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, रोहिणी फर्स्ट। कौन सा? रोहिणी फर्स्ट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में। किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आए थे, वही क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जटाशंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो राटासर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी पर होशंगाबाद के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 2020 में। कब हुआ? 2020 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 खिलाड़ी होते हैं। फ्रेंड्स क्या 9 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सागौन के वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। कब हुआ था? 1980 में लागू हुआ था। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है बार बार आपसे रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फ्रेंड्स आपको बता दें, मध्य प्रदेश हर सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश जीके से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर सब्जेक्ट में, 4 से 5। इतिहास से हर सब्जेक्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, इतिहास से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, और भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर सब्जेक्ट में। उसके बाद फ्रेंड्स राजनीति से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, राजनीति से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अंग्रेजी की, अंग्रेजी में जो पूछा जा रहा है वो कौन सा था, एंटोमास से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैसेज से भी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैसेज से क्या 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक। और फ्रेंड्स क्या है, आगे देखिए, मैनेजमेंट की लेखाकरण विधि से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है हर चैप्टर में फ्रेंड्स, 15 तारीख से अभी तक जो एग्जाम था उसमें बता रहा हूँ आपको। उसके बाद उपभोक्ता फोरम नियम से 1 क्वेश्चन आ रहा है हर चैप्टर में, एक टॉपिक पढ़ के जाओ उपभोक्ता फोरम। उसके बाद फ्रेंड्स प्रबंध के सिद्धांत से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर चैप्टर में। उसके बाद नियोजन से 2 क्वेश्चन आ रहा है आरसेप्ट में। साइंस की जीव विज्ञान से 4% पूछे जा रहे हैं, और भौतिक विज्ञान से 5% पूछे जा रहे हैं, और रसायन विज्ञान से 4% पूछे जा रहे हैं। ओके उसके बाद फ्रेंड्स क्या आ रहा है देखिए, पर्यावरण से आरसेप्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गणित के प्रतिशत से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लाभवानी से 3 से 4 पूछे जा रहे हैं, त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद समय एवं कार्य से 2 से 3 भी क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं, तो कभी कभी 4 भी पूछ लिए जाते हैं। औसत से फ्रेंड एक भी क्वेश्चन आता है, 3 भी आते हैं और 4 भी आ जाते हैं, और अंकड़े से भी 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गोले आयतन वाला भी एडवांस से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एज से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ओके 1 से 2 क्वेश्चन एज से देखने को मिल जाता है। आगे देखते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स क्या रीजनिंग की, रीजनिंग क्या पूछ रहे हैं, रीजनिंग में सोचने की क्षमता से 1 क्वेश्चन आ रहा है, रक्त संबंधित ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, श्रृंखला से यानी कि सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें फ्रेंड्स कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैलेंडर से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, दिशा तथा दूरी से 3 क्वेश्चन आ रहा है, नॉन वेरिएबल रीडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर की, कंप्यूटर में कंप्यूटर शॉर्टकट की से 3% आ रहा है, एमएस ऑफिस से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एमएस एक्सेल से 2 क्वेश्चन आ रहा है, एमएस वर्ड से 2% आ रहा है, और पावर पॉइंट से 1% पूछा जा रहा है। ओके उसके बाद चलिए बात करते हैं हिंदी की, हिंदी में पूछा जा रहा है संधि से 3% आ रहा है, और समाज से भी 3% आ रहा है। ओके और जो मुहावरा और लोकोक्तियाँ से 2% आ रहा है, और फ्रेंड्स बता दें मुहावरा 15 तारीख के पेपर में नहीं मिला था देखने को, लेकिन आप पूछने लगा है। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विपरीत तार्थक से शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तत्पुरुष से 2 क्वेश्चन, और वर्तनी से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का एनालिसिस इतना जो पूछा गया मैंने आपको बता दिया एकदम रियल, और फ्रेंड्स डेली एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास जैसे नोटिफिकेशन पहुँच सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फ्रेंड्स, क्या डेली एनालिसिस चलेगा 26 अप्रैल तक, और फ्रेंड जो बदलाव होगा तो मैं आपको बता दिया जाएगा कैसे बदलाव होने वाला है आगे वाली शिफ्टों में। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।